नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उन चैनल पे। आज हम यहाँ पे बात करेंगे लेटेस्ट आईपीओ के जीएमपी के बारे में, पर उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे इसराइल और ईरान की वॉर के कारण काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मार्केट के अंदर इम्पैक्ट देखने मिला। अक्टूबर महीना काफ़ी ज़्यादा हमें फॉल देखने मिला, तो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कि क्या रहा मामला और अभी आगे क्या हो सकता है, और आईपीओ के जीएमपी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो यहाँ पे एंड तक जरूर बने रहेगा, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे ईरान और इसराइल के किस रीत के अभी फिलहाल में सिचुएशन चल रहे हैं। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे ईरान इसराइल के अंदर, यहाँ पे इसराइल ने अभी वापस से ईरान के ऊपर हमला करते हुए देखने मिले। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आज की यहाँ पे न्यूज़ है 26 अक्टूबर, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ओवर 100 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व्स हाउ इसराइल कंडक्टेड प्रिसाइज स्ट्राइक ऑन मिलिट्री टारगेट इन ईरान, और इसके कारण यहाँ पे ईरान के अंदर अभी हमला हो चुका है। यहाँ पे 1 अक्टूबर को यहाँ पे ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया था, और उसके बाद से यहाँ पे इसराइल ने कह दिया था कि हम यहाँ पे इसका बदला जरूर लेंगे और उसके खिलाफ एक एक्शन लेंगे। पर यहाँ पे ये भी टेंशन थी कि यहाँ पे ये लोग इनके कच्चे तेल के बेस के ऊपर या फिर इनके न्यूक्लियर के बेस के ऊपर हमला ना कर दे, तो उसके कारण यहाँ पे टेंशन काफ़ी ज़्यादा थी, और उसके कारण मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉल देखने मिला। पर आज जो यहाँ पे हमला किया है वहाँ पे मिलिट्री बेस पे हमला किया है, तो अब देखना पड़ेगा यहाँ पे ईरान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, ईरान क्या रिस्पॉन्स करता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा। अभी इसराइल ने यहाँ पे हमला कर दिया, अभी वो भी देखना होगा कि इसराइल यहाँ पे वापस से हमला करता है या फिर ये इनका फुल एंड फाइनल हमला था या, और यहाँ पे ये भी देखना इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पे ईरान वापस से रिटेलिएट करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे कब से यहाँ पे वॉर चालू है, 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे गाजा और इसराइल की वॉर को हो चुका है, और अभी कई सारे देश और ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए देखने मिले। लेबनान के ऊपर भी यहाँ पे हमला करते हुए देखने मिला, और कई ज़्यादा यहाँ पे टॉप के लोगों को यहाँ पे इसराइल ने मारते हुए देखने मिला। और अभी फिलहाल में ईरान की तरफ से जो रिटेलिएट हुआ था यहाँ पे 1 तारीख को यहाँ पे उन्होंने इसराइल के ऊपर हमला किया था, और अब यहाँ पे इसराइल ने वापस से ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। तो अब देखते हैं हर टाइम के अंदर यहाँ पे ईरान वापस से बदला लेता है या फिर यहाँ पे वॉर ख़त्म हो जाती है। जो भी होगा काफ़ी इंपोर्ट होगा पूरा ग्लोबल मार्केट के लिए, और इसके अलावा यहाँ पे इंडियन मार्केट के लिए ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉल हमें देखने मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे इसराइल ईरान का काफ़ी ज़्यादा वॉर का टेंशन बढ़ते गया है, क्योंकि यहाँ पे ईरान से हम काफ़ी ज़्यादा क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, तो उसके कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट हो सकता है अगर यहाँ पे उनके क्रूड ऑयल के ऊपर हमला हो तो। फिर तो देखते हैं यहाँ पे हम निफ्टी 50 के अंदर, हम यहाँ पे देख सकते हैं 26,299 का यहाँ पे हमें निफ्टी 50 चल रहा था, यानी 27 सितंबर के आसपास कुछ यहाँ पे हाई मारते हुए दिखने मिलता, और यहाँ पे कंटिन्यूसली गिरावट के बाद टोटल 8.12% के गिरावट के साथ अभी यहाँ पे जो निफ्टी 50 यहाँ पे 24,180 पे ट्रेड करते हुए दिखने मिलता है। तो देखते हैं टाइम के अंदर यहाँ पे मार्केट में और ज़्यादा फॉल आता है या फिर यहाँ पे अभी रुक जाता है। अभी यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट जो सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 24,175 के आसपास हमें एक सपोर्ट देखने मिल रहा है। उससे पहले यहाँ पे 4 जून को जिस पॉइंट से यहाँ पे सेलिंग आई थी वो पॉइंट को कंसिडर करें तो 23,360 का हमें यहाँ पे एक सपोर्ट देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है, और शार्प गिरावट हमें यहाँ पे देखने मिली, 8% से ज़्यादा हमें यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर गिरावट देखने मिली, और जितने भी सेक्टर है सबके अंदर हमें यहाँ पे गिरावट देखने मिली। और हमने देखा यहाँ पे कई सारे आईपीओ के अंदर भी जीएमपी काफ़ी कम होते हुए देखने मिले, और अभी यहाँ पे वारी, दीपक बिल्डर और इसके अलावा जितने भी आईपीओ उन सबके जीएमपी में काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट देखने मिली। तो देख लेते हैं यहाँ पे जीएमपी फिलहाल में क्या चल रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं दीपक बिल्डर की अगर यहाँ पे बात की जाए 260 करोड़ का यहाँ पे इश्यू साइज था, और अभी यहाँ पे जो जीएमपी वो 32 रुपीज चल रहा है, यानी 15.76% का फिलहाल में हमें जीएमपी यहाँ पे देखने मिल रहा है। यहाँ पे हमें जीएमपी के अंदर घटत देखने मिली थी, यहाँ पे जो भी मार्केट के अंदर सेलिंग आई उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा पे सेलिंग भी देखने मिली, क्योंकि 30% के आसपास जीएमपी था जो भी गिरकर 15% का हमें फिलहाल में देखने मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें वारी एनर्जी की, वारी एनर्जी के अंदर काफी ज्यादा हमें गिरावट देखने मिली, कल यहाँ पे 1370 रुपए का यहाँ पे जीएमपी था मार्केट के फॉल के बाद, और अभी आज यहाँ पे और भी ज्यादा यहाँ पे जीएमपी गिरते हुए देखने मिला और 1075 पे जीएमपी आ चुका है, अभी तक का यहाँ पे सबसे लोवेस्ट जीएमपी फिलहाल में देखने मिल रहा है वारी एनर्जी के अंदर। यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी 90% से, फिर यहाँ पे 105% तक जीएमपी गया था, जो यहाँ पर गिरकर फिलहाल में 71.52% ही देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे काफी बड़ी हमें गिरावट देखने मिली, तो अब देखते हैं यहाँ पे मंडे को यहाँ पे किस रीत की लिस्टिंग रहती है, मंडे को यहाँ पे शेयर लिस्ट हो जाएंगे तो देखना काफी इंपोर्ट होगा यहाँ पे कौन सी प्राइस पे लिस्ट होते हैं, और मार्केट के सेंटीमेंट मंडे को क्या रहते हैं वो काफी ज्यादा इंपोर्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे के अंदर भी डाउ जोन्स के अंदर भी यानी अमेरिकन मार्केट के अंदर भी हमें सेलिंग ही देखने मिली थी। तो फिर देखते हैं यहाँ पे मंडे में इंडिया के मार्केट के सेंटीमेंट क्या रहते हैं। अगर इसके अलावा बात करें गोदावरी बाय रिफाइनर्स की, तो इसका भी आईपीओ यहाँ पे क्लोज हो चुका है, और इसका जीएमपी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, सिर्फ 5 रुपीज़ हमें जीएमपी बचते हुए देखने मिल रहा है, 1.42% का फिलहाल में यहाँ पे जीएमपी देखने मिल रहा है। यहाँ पे 554 करोड़ का इश्यू साइज था, और इसको काफ़ी ठंडा रिस्पॉन्स हमें देखने मिला। यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल जो आईपीओ सब्सक्राइब हुआ सिर्फ 1.87 टाइम ही सब्सक्राइब होते देखने मिला, और यहाँ पे रिटेल ने 1.76 टाइम सब्सक्राइब किया है, और क्यूआईबी ने सिर्फ
यहाँ पे 2.76 टाइम सब्सक्राइब करते हुए देखने मिला। 725 करोड़ का ही हमें सब अमाउंट की भीड़ आते हुए देखने मिली। काफ़ी ठंडा हमें रिस्पॉन्स देखने मिला इसके अंदर। यहाँ पे मार्केट के फॉल के कारण काफ़ी ज़्यादा GMP में हमें गिरावट देखने मिल रही है। तो ऑलरेडी यहाँ पे एफकॉन का एक दिन खत्म हो चुका है और यहाँ पे हम देख सकते हैं GMP में काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट देखने मिली। और यहाँ पे जो 33 रुपीज़ का GMP जो कल शाम तक अभी चल रहा था, इससे पहले तो यहाँ पे 55 रुपीज़ का GMP चल रहा था, उससे पहले काफ़ी ज़्यादा हमें GMP था, वो अब यहाँ पे सिर्फ 15 रुपीज़ ही बचते हुए हमें देखने मिल रहा है। काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने मिल रही, सिर्फ यहाँ पे 3.24% का फिलहाल हमें GMP देखने मिल रहा है। 30% के आसपास यहाँ पे स्टार्टिंग में GMP था, जो यहाँ पे गिरकर अब सिर्फ यहाँ पे 3% ही हमें देखने मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी हमें गिरावट देखने मिल रही, इतनी बड़ी साइज का इश्यू है, 5,430 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे इश्यू। और यहाँ पे मार्केट में सेलिंग के कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे GMP में फिलहाल में गिरावट देखने मिल रही है। अगर इसका सब्सक्रिप्शन की अगर यहाँ पे बात की जाए तो फर्स्ट डे के अंदर सिर्फ यहाँ पे 405 करोड़ की यहाँ पे अमाउंट की भीड़ में आते हुए देखने मिल रही है। काफ़ी कम में सब्सक्राइब होते देखने मिला। QIB के अंदर 0.11 टाइम, NI के अंदर 0.12 टाइम, अगर रिटेल की बात करें तो 0.15 टाइम, एम्प्लॉय के अंदर 0.42 टाइम्स, यानी काफ़ी कम में सब्सक्रिप्शन आते देखने मिला। क्योंकि यहाँ पे मार्केट में जो सिचुएशन चल रही है उसके कारण यहाँ पे IPO के GMP में गिरावट मिल के देखने मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जितने भी स्टॉक्स हैं सबके अंदर ही हमें गिरावट देखने मिल रही है। सारे सेक्टर्स यहाँ पे डाउन हमें देखने मिल रहे हैं और इसके अलावा जितने भी स्टॉक्स हैं वो सब भी हमें डाउन ही देखने मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम के बाद यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग हमें देखने मिली। इससे पहले हमें 4 जून को इलेक्शन के टाइम पर सेलिंग देखने मिली थी और अभी वापस से यहाँ पे इस मंथ यहाँ पे फुल मंथ हमें सेलिंग देखने मिली। अभी भी यहाँ पे 4 दिन बचे यहाँ पे इस महीने खत्म होने में, तो देखते हैं यहाँ पे लास्ट 4 डेज के अंदर क्या होता है, क्या मार्केट और ज़्यादा गिरता है या फिर मार्केट में यहाँ से कुछ रिकवरी आती है। जो भी होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा IPO मार्केट के लिए और स्टॉक मार्केट के लिए, उन सब के लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।